हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आईओटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। तो आईओटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने है। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च डैश अटैक। ठीक है, पहले हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। बॉटनेट का प्रयोग अक्सर डैश हमलों को शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन से हमले की बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर इंटरनेट या नेटवर्क के जरिए किसी कंप्यूटर पर या किसी सर्वर पर अटैक होने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया बॉटनेट। ठीक है, बॉटनेट एक सिस्टम होता है। ठीक है, कैसा होता है वो अभी हम जानेंगे। बॉटनेट कैसा सिस्टम होता है? बॉटनेट एक सिस्टम होता है जिसका यूज हम डैश अटैक यानी किसी प्रकार के अटैक के लिए यूज करते हैं। अब वो अटैक क्या होता है, तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, आंसर देखते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहला ऑप्शन है डॉस, दूसरा है DDoS, तीसरा है ब्रूट फोर्स और चौथा ऑप्शन है आपके पास पैसिव। सबसे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा DDoS। DDoS का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं DDoS अटैक होता क्या है। देखिए, आप अक्सर देखते हैं ना, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट जैसे जैसे नज़दीक आती है, वैसे वैसे जो सर्वर है वो डाउन होने लगता है। ठीक है, आपके यानी सर्वर से और आपके मोबाइल या कंप्यूटर से जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता। ठीक है, यानी आप क्या कहते हो ऐसी कंडीशन में कि सर्वर डाउन चल रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए सर्वर क्यों डाउन है। सर्वर इसलिए डाउन है क्योंकि उसमें कई सारे लोगों का एक साथ एक्सेस हो रहा है, कई सारे कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा हम उस सर्वर के सर्वर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जनरली कोई भी सर्वर है, इसकी कैपेसिटी होती है कि 20,000 या 25,000 यूजर एक बार में डेटा को एक्सेस करें। ठीक है, लेकिन उसी सर्वर पे मान लीजिए 20,000 के बदले 20,00,000 या 25,00,000 लोग एक साथ एक्सेस करने बैठ गए, तो सर्वर तो डाउन हो नहीं है ना, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हो। तो किसी की भी कैपेसिटी से यदि आप ज़्यादा काम लेते हो तो वो चीज़ तो डाउन होती होती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो DDoS का क्या मतलब होता है? DDoS में क्या होता है, जब कोई सर्वर है, ठीक है, और इस सर्वर पे एक साथ कई सारे एक्सेस हो जाए, 20,00,000 25,00,000 यानी इतने एक्सेस हो जाए कि सर्वर उसका लोड ही ना उठा पाए, तो इस तरीके का जो अटैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, DDoS अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस या DDoS समझ में आ गया होगा। ठीक है, DDoS यानी जब एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हम किसी सर्वर से डेटा एक्सेस करते हैं तो हम उसे DDoS कहते हैं। ठीक है, ऐसा हैकर कई बार जानबूझकर भी करता है। देखिए, एक कंडीशन तो आती है कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, है ना, जेन्यून रीज़न आप फॉर्म भर रहे हैं, आपकी लास्ट डेट आ चुकी है फॉर्म भरने की, तो उस टाइम तो सर्वर पे कई लोग एक्सेस कर ही रहे हैं, सर्वर पे उस टाइम तो सर्वर से कई लोग एक साथ एक्सेस कर ही रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल है। बट कई बार हैकर भी ऐसा करता है कि वो कई सारे नेटवर्क के साथ या कई सारे कंप्यूटरों के साथ एक साथ अटैक करवाता है सर्वर के ऊपर, जिससे सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसी प्रकार के अटैक को हम बोलते हैं DDoS अटैक। ठीक है, अब किसी भी हैकर को किसी भी सर्वर पे अटैक कराने के लिए करीबन 10,00,000 20,00,000 इतने कंप्यूटर चाहिए, तब इतने कंप्यूटर लाएगा कहाँ से हैकर? तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब आप देखिए, सपोज ये सर्वर है, अब ये हैकर है, ठीक है, कोई हैकर है जो कि अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहा है, ये उसका कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कुछ कोड जनरेट करेगा, यानी अटैक करने की एक कोडिंग तैयार कर रहा है, एक वायरस बना रहा है यहाँ पर बैठ के। ठीक है, इस कंप्यूटर पे एक कोड तैयार कर रहा है। ठीक है, कोड तैयार करके उसने इस मशीन को क्या कर दिया, कोड तैयार करके उसने इस मशीन को अटैक करने के लायक बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मशीन है जिसमें कोड तैयार हो चुका है, ठीक है, ये मशीन क्या करेगी,
ये मशीन क्या करेगी, कई सारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेटवर्क आप जानते हैं ना, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या दो या दो से अधिक नोड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पे नेटवर्क बना दिया। ठीक है, अब ये कंप्यूटर मशीन क्या करती है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे चली जाती है। ठीक है, अब ऐसे में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स यानी जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कुछ तो होशियार होते हैं जो कि जानते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ वायरस हो सकती है ना। हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें कुछ प्लगइन के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो कई बार यदि आपको नॉलेज है तो आप तो उसको स्टॉप कर देते हो कि नहीं ये वायरस हो सकता है, लेकिन कई ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। ठीक है, अब वो ऐसी कंडीशन में कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्लगइन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जब वो इंस्टॉल करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से जो वायरस है वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या कर देता है, अफेक्टेड कर देता है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर है वो भी अफेक्टेड हो गए, फिर इस तरीके से उससे और भी कंप्यूटर जुड़े होंगे। यानी बेसिकली इंटरनेट में होता क्या है, जो हमारे कंप्यूटर वो आपस में सब क्या होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे कंप्यूटर, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, एक दूसरे से आपस में बेसिकली होते क्या, कनेक्ट ही तो होते हैं। तो एक पूरे नेटवर्क का एक जाल ही तो बनता है इंटरनेट में, है ना। तो जितने भी कंप्यूटर वो क्या होते जा रहे हैं, अफेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से कहीं से ये जो कंप्यूटर वो किसी इस नेटवर्क से भी कनेक्ट है, तो यहाँ भी वो अफेक्ट हो गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो कंप्यूटर का मालिक है उसको इस बात का पता ही नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर पे अटैक हो रहा है। इस तरीके से मान लीजिए वो क्या करता है, कई सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क तैयार कर लेता है, जिसमें वो 20 लाख, 25 लाख, इतने सारे नेटवर्क को ये कंप्यूटर क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। कौन सा कंप्यूटर, ये जो खास बनाए ना, जो कि कमांड के द्वारा तैयार किया गया, इस कंप्यूटर ने क्या किया, इतने सारे नेटवर्क्स को अफेक्ट कर दिया ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब जब इतने सारे नेटवर्क इसके अंडर में आ गए, इस कंप्यूटर के अंडर में आ गए इतने सारे नेटवर्क, है ना, ये जो मेन कंप्यूटर है, तो अब ये क्या कराएगा, ये जितने भी नेटवर्क है ना जो भी अफेक्टेड हो चुके हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं इस नेटवर्क के अंदर, इन सब से वो क्या करेगा, एक साथ सर्वर पे अटैक करवाएगा। तो जब सर्वर पे इतने सारे नेटवर्क के कंप्यूटर एक साथ अटैक करेंगे या इतने सारे नेटवर्क अटैक करेंगे, तो सर्वर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा। तो इसी अटैक को हम क्या बोल रहे हैं, DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये जो बेसिकली इतने सारे नेटवर्क इकट्ठे करके अटैक करवा रहा है, इतने सारे कंप्यूटर को इकट्ठे करके अटैक करवा रहा है, एक तरीके से इस कंप्यूटर ने करा क्या, यानी जो जो ये हैकर है इसने करा क्या, इसने बेसिकली देखा जाए तो एक आर्मी तैयार की है। ठीक है, और एक आर्मी बना के किसी सर्वर को डाउन किया है। तो इसलिए ये जो आपका नेटवर्क बनता है DDoS अटैक करने के लिए, इसको हम जॉम्बी आर्मी भी बोलते हैं, ZOM, जॉम्बी आर्मी। ठीक, फाइन, आई होप आपको DDoS समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है, अब हम समझ लेते हैं कि बॉटनेट जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये बॉटनेट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो बॉटनेट है बेसिकली यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो बॉट, ठीक है, और एक नेट। ठीक है, बॉट का अर्थ यहाँ पर सीधा सा होता है रोबोट, रोबोट क्या होती है, कंप्यूटर मशीन ही तो होती है। ठीक है, और नेट इसका मतलब होता है सीधा सा नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो रोबोट मशीन है, ये जो बॉट है, ये बेसिकली कौन सी मशीन है, ये मेन मशीन है जिसको कि तैयार किया गया है DDoS अटैक के लिए। ठीक है, यानी जो मेन मशीन है ना, ये आपकी रोबोट मशीन है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक पूरे नेटवर्क को अफेक्टेड करती है। ठीक है, यानी मालिक को पता भी नहीं चलता, बिना मालिक के पता करेगी, ये पूरे के पूरे नेटवर्क को खराब करती है और पूरे नेटवर्क को लेके एक साथ किसी सर्वर को क्या करवाती है, डाउन करवाती है, एक्सेस करवा के, है ना, यानी किसी सर्वर को एक साथ एक्सेस करवा के किसी सर्वर को ये डाउन करवाती है। फाइन, सो आई होप आपको यहाँ पे बॉटनेट समझ में आया होगा।
ठीक है, और यहाँ पे आपको DDoS भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा बेसिकली नेटवर्क बनता है ना, जो कि इस मेन कंप्यूटर के कारण बन रहा है, इस पूरे नेटवर्क को हम बॉटनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो बॉटनेट की जो मशीन है, जो मेन सर्वर मशीन है, ये किस आधार पे काम करती है? तो ये कमांड बेस्ड मशीन होती है, यानी इसमें पहले से कमांड तय कर देता है हैकर। ठीक है, और उस कमांड के तहत ही वो जितने भी नेटवर्क्स से वो कनेक्ट होती है, उन नेटवर्क्स को वो क्या करती चली जाती है, खराब करती चली जाती है और सर्वर पे अटैक करवाती है। इसका एक और नाम जूम्बी आर्मी है। ठीक है, यानी ये जो नेटवर्क है, जो बॉटनेट के द्वारा तैयार किया गया है, इसका पूरा नाम क्या है? एक जूम्बी आर्मी है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यहाँ पे बॉटनेट का मतलब समझ में आया होगा और DDoS समझ में आया होगा। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च डैश अटैक, तो आंसर क्या आएगा? DDoS। हिंदी में पढ़ लेते हैं, बॉटनेट का प्रयोग अक्सर DDoS हमले को शुरू करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, IIoT stands for। IoT तो आपको अभी तक पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट इसमें जो आई लग जाता है पीछे की तरफ, ये क्या है? तो आइए जानते हैं IoT का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरा है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और चौथा है इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका सही आंसर है आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो IIoT का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द डिफॉल्ट मेथड इन Arduino प्रोग्राम आर। हिंदी में हमने लिखा है, Arduino प्रोग्राम में डिफॉल्ट विधि, विधि का मतलब मेथड। ठीक है, या मेथड को आप ये कह लीजिए फंक्शन, फंक्शन भी हम बोल सकते हैं इसको। तो जब हम Arduino की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, तो जो Arduino का IDE होता है, उसमें डिफॉल्ट यानी पहले से ही कौन सी मेथड बनी हुई होती है, कौन से मेथड साफ साफ सामने दिखाई देती है। तो कौन से मेथड होती है, आइए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये है आपका Arduino का IDE। अब कौन से दो मेथड आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं? तो हमेशा जब भी आप Arduino का ये IDE ओपन करोगे, आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो वॉइड सेटअप, ये आपको हमेशा मिलेगा स्टार्टिंग में, और एक आपको लिखा हुआ मिलेगा वॉइड लूप। ये दो फंक्शन, दो मेथड आपको हमेशा आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। यदि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट के चैप्टर 4 में कुछ प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले बोल रहा है ओनली लूप, बोल रहा है ओनली सेटअप, तीसरा आंसर आ गया हमारा सेटअप एंड लूप। तो हमको सेटअप भी मिला था और लूप भी मिला था, अभी आपने जस्ट देखा। और कैन वी आइदर लूप एंड सेटअप, या तो लूप मिलेगा या सेटअप मिलेगा, चौथे में ही कह रहा है। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सी इसका सही आंसर है, सेटअप एंड लूप। ये दोनों फंक्शन हमें Arduino IDE में बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अब पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाइएस्ट डेटा रेट। हिंदी में हमने लिखा है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम उत्तम डेटा दर का समर्थन करता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको मीडियम बताए गए यानी माध्यम बताए गए, और बताइए कौन सा माध्यम ऐसा है जिसमें डेटा की जो रेट है यानी डेटा ट्रांसफर होने की रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। तो पहला आता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वाईफाई, तीसरा ईथरनेट, चौथा है ब्लूटूथ। बताइए इनमें से सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर की रेट किसकी है? तो यहाँ पे सही आंसर आता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी जो रेट है वो लगभग इसकी 940 मेगाबिट पर सेकेंड होती है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है तरीके से एक इस तरीके से पतली सी तार होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ पतले 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 कई सारे तारों के गुच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये जो
तार है पतली सी, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स की ये पतली सी तार है, ये सिलिका ग्लास की होती है, सिलिका SILICA सिलिका, ठीक है, स्पेलिंग लिख दिया मैंने SILICA सिलिका, इसको काट दीजिए, सही नहीं लिखी थी स्पेलिंग यहाँ पर, है ना, सिलिका ग्लास GLASS या फिर सिलिका प्लास्टिक, ये याद रखना, ठीक है। बेसिकली जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है ये एक पतली सी तार होती है जो कि सिलिका ग्लास या सिलिका प्लास्टिक की होती है, ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल पतले पतले तारों के क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे तार, यदि आप स्क्रीन को जूम करके देखोगे तो अगर आप इस एरिया में देखोगे तो आपको कई सारे ब्लू कलर के तार मिल जाएंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे और पतले पतले तारों के गुच्छे होते हैं, ठीक है, और इन्हीं तारों से डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, और ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये जो लाइट का ट्रांसमिशन है, सब बिजली के आने की जो गति वो कितनी फास्ट है, आप यदि बल्ब चालू करते हो तो तुरंत रोशनी आ जाती है सब दूर, उससे भी फास्ट है इसके डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड, ठीक है। और ये जो पतले पतले तार है ना, अगर आप इस तार का डायमीटर निकालो, इस प्रत्येक तार के रेशे का जो आप डायमीटर निकालोगे ना, तो ये मानव के बाल जितना पतला होता है, या फिर मानव के बाल से जरा सा मोटा होता होगा, बाकी मतलब ये मान लीजिए मानव के बाल के बराबर ही होता है इसका तार, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया होगा। सो सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो ऑप्टिकल फाइबर की ही है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, नीचे आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल है जो IoT डोमेन में काम नहीं करता, ठीक है। हिंदी में भी देखिए हमने लिखा है, निम्न में से कौन IoT डोमेन में उपयोग किया जाने वाला एक मानक प्रोटोकॉल नहीं है, यानी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है वाईफाई, दूसरा ऑप्शन है Z-Wave, तीसरा ऑप्शन है ZigBee और चौथा ऑप्शन है लोमी। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, इसका सही आंसर है लोमी। लोमी यहाँ पे कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता, बट ये तीन वाईफाई, Z-Wave और ZigBee, ये तीनों आपके IoT डोमेन में यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या क्या है, तो आइए इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर होता क्या है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है कि आपके जितने भी रोज़ाना यूज़ होने वाले सामान है, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे फिर वो आपका TV हो गया, या फिर आपके घरों में यूज़ होने वाला AC हो गया, इन सारी चीज़ों में क्या होगा, इंटरनेट वर्क करने लग जाएगा, ठीक। अब इस कंडीशन में आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं ये बेसिकली जब इनमें इंटरनेट चलेगा तो ये सारी डिवाइसेस आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, ठीक है। अब ये आपस में भी कनेक्ट होंगी और आपकी कोई निजी डिवाइस से आपका मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर होगा, उससे भी आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो आपस में सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली डिवाइसेस करेंगी क्या, ये डिवाइसेस डेटा का आदान प्रदान करेंगी, ठीक है। तो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि इनके बीच में क्या हो जाए, एक कनेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो कनेक्शन होता है, ये जो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन होता है, या आज भी आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को भेजते हो या किसी से बात करते हो, तो बेसिकली जो भी आपका इंटरनेट से लिंक करा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आपके फ़ोन को लिंक करा रही है जो भी चीज़ें, ठीक है, यानी इंटरनेट में जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें किसी न किसी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जान लीजिए प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है, आपका सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का समूह। तो यहाँ पे
प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ये सेट है SET, सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का समूह। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी डिवाइसेस, भले वो आपका मोबाइल टू मोबाइल हो सकता है या वो आपका मोबाइल टू कंप्यूटर हो सकता है या कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो सकता है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है ना जो इंटरनेट में यूज़ हो रही है, तो जब भी दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर जो डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं, तो इस पूरे काम में कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं यानी कुछ नियमों का समूह यूज़ होता है। ठीक है, अब वो नियमों का समूह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रकार से यूज़ होता है। जैसे कि आप वाईफाई यूज़ करोगे तो वाईफाई चलने के नियम कुछ अलग है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के नियम वो अलग है, वो खुद फॉलो कर लेती है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है ना, आपको तो बस उसका सेटअप करना पड़ता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियमों का समूह यानी सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो जब भी आपकी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। ठीक है, इसी प्रकार IoT में भी जब आपकी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि ये तो आपका सपोज हो गया मोबाइल फ़ोन, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें ये हो गया आपका सपोज रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और ये हो गया सपोज आपका AC, ठीक है, और हो सकता है ये हो गई आपकी कार, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अब ये आपके मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट है और साथ में ये जितनी भी डिवाइसेस है ना, ये आपस में भी सब क्या रहेंगी, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी, ठीक है, सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो अब ये जो कनेक्शन बना है ना, ये किसी ना किसी नियम को फॉलो करते हुए बनेगा, यानी कौन सा नियम, इंटरनेट का, यानी किसी ना किसी इंटरनेट के ऐसे नियम को फॉलो करेगा जिससे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें आपका क्या यूज़ हो सकता है, एक तो वाईफाई यूज़ हो सकता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में अगर इंटरनेट चल रहा है तो आप वाईफाई से जितनी भी डिवाइस है उन सबको आपस में क्या कर दोगे, वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आप आज के टाइम में करते हो, आप वाईफाई के द्वारा अपने मोबाइल टू मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हो, है ना, कंप्यूटर से वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हो, यदि आपकी किसी बिल्डिंग में वाईफाई लगा हुआ है तो उससे आप अपने जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हो। इसी प्रकार IoT में भी अगर आपकी एक डिवाइस में से मोबाइल में आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है तो उसके जरिए आप बाकी के डिवाइसेस को भी आपस में वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वाईफाई तो यूज़ होगा, ये तो निश्चित हो गया, ठीक है, ये वाईफाई तो यूज़ हो रहा है, फाइन, ओके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वाईफाई के साथ, देखिए जो आपका वाईफाई है ना, बेसिकली इसमें क्या है, पावर ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। जब आप सिर्फ अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो वाईफाई से या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, आप उसको चार्ज भी कर ले तो आसानी से सब कुछ ठीक है। लेकिन अब उसी वाईफाई से आप अपना रेफ्रिजरेटर भी कनेक्ट कर लोगे, अपना AC भी कनेक्ट कर लोगे, अपनी कार को भी कनेक्ट कर लोगे, तो जो पावर है वो कितना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तब इसके लिए दो न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर Z-Wave टेक्नोलॉजी और Zigbee टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइए जानते हैं Z-Wave टेक्नोलॉजी क्या होती है और Zigbee टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं Zigbee के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है Zigbee में, फ्रॉम सिंगल रिमोट मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी कंट्रोल, ठीक है। देखिए Zigbee भी क्या है, जैसे आपका वाईफाई है यानी वाईफाई के जरिए आप क्या करते हो, कुछ सिग्नल्स आते हैं जिनके द्वारा आप अपने डिवाइसेस पे इंटरनेट चलाते हो, है ना, यानी आप एक पर्टिकुलर किसी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हो और अपना वर्क करते हो। तो इन सब के लिए बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमको वायरलेस कनेक्शन की ज़रूरत होती है और वायरलेस कनेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स निकलते हैं। तो एक तो आप जानते हो वाईफाई, इसी तरीके से आप ब्लूटूथ जानते होंगे कि जब ब्लूटूथ में हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से जब भी किसी दूसरे मोबाइल पर फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो हम ब्लूटूथ का भी यूज़ करते हैं, है ना। अंतर क्या आ जाता है, जो वाईफाई है वो हमारा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, यानी वो इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, और जो हमारा ब्लूटूथ है वो बिना इंटरनेट के भी चल जाता है, यानी बिना इंटरनेट के हम दो मोबाइलों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक मोबाइलों को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ लिमिटेशंस हो जाती है ना, ब्लूटूथ की अपनी कुछ लिमिटेशंस है और वाईफाई की अपनी कुछ फ़ायदे, ब्लूटूथ के आगे फ़ायदे और अपनी कुछ लिमिटेशन है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आता है आपका Zigbee। Zigbee में हमने लिखा है फ्रॉम सिंगल रिमोट मल्टीपल डिवाइस कैन बी कंट्रोल। देखिए जो Zigbee टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है, हम एक ही रिमोट से
कई सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में देखते हैं ना, एसी के लिए अलग रिमोट है, टीवी के लिए अलग रिमोट है, कोई और चीज़ है तो उसके लिए अलग रिमोट है। तो अब जिग्बी टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा कि सारे डिवाइसेस एक ही रिमोट से कंट्रोल होने लग जाएंगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इट इज़ यूज इन मैश नेटवर्क। ठीक है, जो जिग्बी है उसको आप मैश नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैश नेटवर्क क्या होता है तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क में हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे आर्किटेक्चर को या ऐसे सिस्टम को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से अधिक हमारी कोई सी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब ये जो नेटवर्क बनता है इसको हम बेसिकली तैयार क्यों करते हैं, ताकि इसमें हमारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और एक दूसरे को अपने डाटा को ट्रांसफर कर सके, इसलिए हम एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है ना, इनको बनाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क बनाने का जो तरीका है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, यानी टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क बनाने का जो एक तरीका है या एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा नेटवर्क काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क बनाने का एक तरीका या एक टोपोलॉजी ऐसी आती है जिसका नाम होता है मैश। ठीक है, अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली मैश टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइसेस एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, हमें डिवाइसेस को नाम दे देते हैं, सपोज का नाम ए है, इस डिवाइस का नाम सपोज बी है, इस डिवाइस का नाम सपोज सी है, और ये वाली डिवाइस आपकी हो गई डी। ठीक है, अब मैश नेटवर्क में क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस हैं सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ए है वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बी से तो कनेक्ट है, जो ए है वो सी से भी कनेक्ट है, लेकिन जो ए है वो डायरेक्ट यहाँ पे डी से कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैश टोपोलॉजी में या मैश नेटवर्क में ए को डी से भी कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ए है वो सबसे कनेक्ट हो चुकी है, अब देखते हैं बी की बारी। बी जो है वो ए से कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, लेकिन जो बी है वो सी से कनेक्ट नहीं है। तो अगर हमें मैश टोपोलॉजी या मैश नेटवर्किंग चाहिए तो बी को भी क्या करेंगे, हम सी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं तो जो सी है वो ए से कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट डी से कनेक्ट नहीं है, इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारी सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी के सारी आपस में कनेक्ट हो चुकी है ना। तो जब भी हमारे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मैश नेटवर्क बोलते हैं। ओके, सो जो आपकी जिग्बी है वो इस तरीके के मैश नेटवर्क में वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके का मैश नेटवर्क होता है, नहीं सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और ऐसे नेटवर्क में हमारी जिग्बी टेक्नोलॉजी वर्क करती है। ओके, सो जिग्बी कुछ नहीं, जैसे वाईफाई एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना डिवाइसेस को, ऐसे जिग्बी भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करेगी सभी डिवाइसेस को कि वो डिवाइसेस आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ में एक सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करेगी कि ये जितनी भी डिवाइसेस है वो एक ही रिमोट से क्या हो जाएंगी, हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, यानी अलग अलग रिमोट्स की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अभी भी आप देखते हो कि कुछ MI फोन्स आते हैं जिनके द्वारा आप अपने TV के रिमोट चला लेते हो। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका मोबाइल है वो मल्टीपर्पज़ हो गया ना, यानी आपके मोबाइल का काम तो कर ही रहा है, साथ में वो रिमोट का भी काम करने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जिग्बी टेक्नोलॉजी में एक ही रिमोट होगा और उसके द्वारा सारी के सारी डिवाइसेस एक साथ हैंडल हो जाएंगी। साथ ही साथ में जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी के सारी कैसे कनेक्ट रहेंगी, एक मैश नेटवर्क में। फिर ये जो आपकी जिग्बी है ये क्या यूज़ करेगी, रेडियो वेव्स का यूज़ करेगी, यानी इनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं ना वो रेडियो तरंगे होंगी। ठीक है, अब इसमें कितने नोड कनेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं आपकी 254 नोड्स, यानी 254 डिवाइसेस को आप यहाँ पे जिग्बी टेक्नोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जिग्बी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और इसमें सबसे अच्छी विशेषता कि ये
इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि आपकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ना, ब्लूटूथ से भी आप क्या करते हो, कई सारे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो ना एक मोबाइल फ़ोन से, है ना, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हो। हाँ, ये वाली बात दूसरी कि वो कम रेंज में होता है, जो फाइलें वो छोटी फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन कनेक्शन तो आप दे सकते हो ना। इसी प्रकार जिगबी में भी कनेक्शन आप दे सकते हो और ये कुछ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। यानी आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, इसी प्रकार आप जिगबी टेक्नोलॉजी से सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है जेड वेव की, तो जेड वेव भी जिगबी की तरह ही टेक्नोलॉजी है। इसमें भी जो डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। और जिस प्रकार जिगबी में एक ही रिमोट से आप मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल कर सकते हो, इसी प्रकार जेड वेव में भी आप के पास एक मास्टर डिवाइस होगी जिसके द्वारा आप सारी डिवाइसेस को एक साथ हैंडल कर सकते हो। मास्टर डिवाइस होगी या मास्टर रिमोट होगा तो उसके द्वारा आप सारी डिवाइसेस को एक साथ हैंडल कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मल्टीपल डिवाइस कैन बी कंट्रोल थ्रू इंटरनेट। कंट्रोल तो कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता रहेगी। जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर हो गया भाई, ब्लूटूथ में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्शन दे सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन को, लेकिन वाईफाई में क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। इसी प्रकार जेड वेव में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। स्टैंडर्ड्स आर नॉट ओपन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आर नॉट ओपन से क्या मतलब है, देखिए आपने देखा होगा अक्सर आप दो प्रकार के मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो। जैसे कि सपोज एक फ़ोन हो गया आपका सैमसंग, ठीक है, और एक फ़ोन आपका हो गया एप्पल, ठीक है, सैमसंग एमआई फ़ोन या कोई सा भी नॉर्मल फ़ोन जो कि हम मतलब यूज़ कर लेते हैं ना, नॉर्मल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे से मान लो सैमसंग ब्रांड का फ़ोन है, अब ये क्या होता है, इसके साथ आप अन्य डिवाइस को बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मांगता, ये कई सारे फ़ोनों से कनेक्ट हो जाएगा, कई सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी ये इसके जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ओपन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, यानी इसके जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आसानी से साझा कर लेते हैं, यानी ओपन स्टैंडर्ड है। यानी एक तरीके से देखा जाए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, घुल मिल जाता है खूब अच्छे से, और दूसरे टाइप का व्यक्ति पर किसी से घुलता मिलता नहीं। तो पहले टाइप का व्यक्ति क्या है, एक तरीके से एक ओपन व्यक्ति है, यानी उसके स्टैंडर्ड्स ओपन है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है। और एक जो कि सबके साथ घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा सा कमी लोगों के साथ घुलता मिलता है, वो क्या है, एक क्लोज्ड व्यक्ति है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ये इंटरनेट वर्क करने वाली, ये भी दो प्रकार की होती है, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक है। तो ओपन टेक्नोलॉजी में तो कुछ ओपन स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो कि अधिकतर सभी प्रकार के डिवाइसेस के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका एप्पल का मोबाइल फ़ोन, अब ये सभी डिवाइसेस के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट नहीं होगा, ये कुछ ही सीमित डिवाइसेस के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो सैमसंग है इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, और जो एप्पल है इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ओपन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आपकी जेड वेव टेक्नोलॉजी है, ये सभी डिवाइसेस के साथ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इसके जो स्टैंडर्ड है वो कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ओपन ही रहेंगे। कुछ ही डिवाइसेस ऐसे होंगे स्पेशल जिनके साथ जेड वेव टेक्नोलॉजी वर्क करेगी। नेक्स्ट, मास्टर नोड फॉर कंट्रोल, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर नोड होगा, यानी एक खास कंप्यूटर या खास कोई डिवाइस होगी और उस डिवाइस के द्वारा सारी के सारी डिवाइसेस कंट्रोल हो जाएंगी। फिर यूज्ड इन होम एंड स्मॉल कमर्शियल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये जो आपकी जेड वेव टेक्नोलॉजी है इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और एक छोटा कमर्शियल कोई एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा स्मॉल कमर्शियल, बहुत बड़े कमर्शियल की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो स्मॉल कमर्शियल में आप यहाँ पर इस जेड वेव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, जिगबी और जो आपने जेड वेव, इन दोनों की विशेषता है कि एक तरीके से हम इनको होम ऑटोमेशन का नाम देते हैं, यानी होम ऑटोमेशन के लिए हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। होम ऑटोमेशन मतलब यानी हम अपने घर में अपने डिवाइसेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं इन दो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके।
सो आई होप आपको यहाँ पे जिगबी टेक्नोलॉजी और जेड वेब टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी। दोनों ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो ये था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी डोमेन। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि आईओटी डोमेन में यानी आईओटी के जो डिवाइसेस हैं इनमें कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, यानी आईओटी डिवाइसेस में यूज में नहीं आता। ठीक है, सो वाईफाई को आप यूज में ले सकते हो, लेकिन वाईफाई भी बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ यूज में आप ले सकते हो वाईफाई को। ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्ड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है, जेड वेब और जिगबी, ये दोनों हमारे आईओटी डोमेन में यूज़ होती है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अंतर इतना आता है कि ये जो है हमारी वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है, सॉरी ये नहीं, जिगबी जो है वो हमारी इंटरनेट बेस्ड नहीं है और जो जेड वेब है वो हमारी इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, और ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है लूमी, ये बिना मतलब का मजाक किया क्वेश्चन देने वाले ने, तो इस तरीके की यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल आईओटी में यूज़ नहीं होता। ओके, सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, समझ में आए नहीं आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी अपलोड करवा दूँ। और आप किस तरीके के क्वेश्चंस चाहते हैं, किस तरीके से आप इनको और समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।